नमस्कार दोस्तों, इस समय सवेरे के ठीक 9 बज रहे हैं और हम मड़वाडी स्टेशन पर खड़े हैं। यह वाराणसी का एक टर्मिनल स्टेशन है। वाराणसी जंक्शन से इसकी दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर है और रोड मार्ग से इसकी दूरी 3 किलोमीटर है। प्लेटफॉर्म पर गंदगी का नामो निशान नहीं है। फाउंडेशन स्टेशन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यह स्टेशन आपको एयरपोर्ट जैसा एहसास कराता है। यह देश के आम रेलवे स्टेशनों से बिल्कुल अलग है। वेटिंग हॉल और सर्कुलेटिंग एरिया दूसरे स्टेशनों के मुकाबले बड़े हैं। इतना ही नहीं, बुकिंग रिजर्वेशन ऑफिस फूड कोर्ट भी बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से नज़र आते हैं। यहाँ पर कुल 8 स्टेशन बने हुए हैं। LED डिस्प्ले पैनल इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से राइट टाइम पर 10 बजे निकल चुकी है, जो बनारस में 10:20 पर पहुंचेगी और 10 मिनट का स्टॉपेज लेगी। हमारी ट्रेन का नाम LTT फेस्टिवल स्पेशल है, जो 10 बजे यहां से खुली है। कल LTT यानी मुंबई 12:30 पर पहुंचेगी, यानी 25 घंटे 55 मिनट मुंबई पहुंचने में लेगी। हमारी यहां की कुल दूरी 1492 किलोमीटर है। हमारी ट्रेन पर हावर्स 58 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी। हमारा अगला आने वाला स्टेशन बनारस जंक्शन है, जो 10:20 पर पहुंचेगी। हमारी ट्रेन राइट टाइम पर बनारस जंक्शन पर पहुंच चुकी है और 10 मिनट के होल्ड के बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। दोस्तों, गंगा नदी पर बने इस राजघाट पुल की कुल लंबाई 1048.5 है। भारतीय उपनगर महाद्वीप का यह पहला पुल है जिसके ऊपर सड़क मार्ग तो नीचे रेलवे मार्ग है। इतिहास के पन्नों में इस पुल का नाम डफरिन पुल के नाम से दर्ज है। आज़ादी के बाद 5 दिसंबर 1947 को इस पुल का नाम बदलकर मालवीय पुल रख दिया गया। बनारस के लोग इसे राजघाट पुल के नाम से जानते हैं। इस पुल को भी लोग ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं। इस पुल से गुजरते हुए आप बनारस के अद्भुत घाटों का दर्शन भी कर सकते हैं।
दोस्तों हम अब तक 150 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। हमारा आने वाला अगला स्टेशन प्रयागराज छुकी है। प्रयागराज छुकी पर हमारी ट्रेन 1:43 पर राइट टाइम पर पहुंच चुकी है और 5 मिनट का स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन फिर से मुंबई की तरफ रवाना हो चुकी है। शाम के 4 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन मानिकपुर जंक्शन पर जस्ट पहुंच चुकी है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी। हम अभी तक 320 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। हमारा अगला आने वाला स्टेशन सतना है, जो शाम को ठीक 5:10 पर आएगा। हमारी ट्रेन सतना जंक्शन पर 5:10 पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज लेकर हमारी ट्रेन ठीक 5:15 पर रवाना होगी। हम अब तक कुल 422 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। हमारा कटनी जंक्शन आ चुका है। 6:30 हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन 5 मिनट का स्टॉपेज लेगी, फिर इसके बाद जबलपुर के लिए रवाना होगी। रात के अंधेरे में दूर से ही मैयर माँ के अद्भुत दर्शन से मन प्रफुल्लित हो उठा। दोस्तों हमारा अगला स्टेशन जबलपुर है, जहां पर हमारी ट्रेन ठीक 8 बजे पहुंचेगी। रात के ठीक 8 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन जबलपुर राइट टाइम पर पहुंच चुकी है। यहां 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन आगे रवाना होगी। 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद फिर हमारी ट्रेन मुंबई की तरफ रवाना हो चुकी है। हम अब तक कुल 760 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। रात के करीब 12:40 हो चुके हैं। हमारी ट्रेन राइट टाइम पर इटारसी जंक्शन पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर हमारी गाड़ी 10 मिनट का स्टॉपेज लेगी, 12:50 पर यहाँ से रवाना होगी। हमारी गाड़ी को इटारसी से रवाना हुए करीबन 2.5 घंटे होने जा रहे हैं। हम अब तक 940 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। अगला स्टेशन खंडवा है। खंडवा हमारी ट्रेन राइट टाइम पर पहुँच गई। हमारा अगला स्टेशन 5:10 पर आएगा, जो भुसावल है। रात के करीब
5:10 हो चुके हैं। हमारी गाड़ी राइट टाइम पर भुसाल पहुंच चुकी है। दोस्तों अब सवेरे मिलते हैं। दोस्तों तकरीबन हमने अब तक 1200 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। अब हमारा आने वाला अगला स्टेशन मनमाड़ है, जहां पर हमारी गाड़ी नहीं रुकेगी। दोस्तों मनमाड़ आ चुका है, हमारी गाड़ी एकदम राइट टाइम पर है। दोस्तों हमारा अगला स्टेशन नासिक रोड जस्ट आने ही वाला है। दोस्तों नासिक रोड जंक्शन हमारा आ चुका है, यहाँ पर हमारी गाड़ी 5 मिनट का स्टॉपेज लेगी। पाँच मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी गाड़ी मुंबई की तरफ फिर रवाना हो चुकी है। दोस्तों इगतपुरी स्टेशन आ चुका है, हमारी ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकेगी। दोस्तों हमारा अगला स्टेशन कसारा है, जहां पर हमारी गाड़ी नहीं रुकेगी। इगतपुरी और कसारा के बीच में कुल दूरी 16 किलोमीटर की है। हमने अब तक कुल 1410 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। दस बजकर 5 मिनट का समय सवेरे के हो चुके हैं। हमारी गाड़ी पहाड़ों को चीरती हुई अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों इगतपुरी से LTT यानी मुंबई की दूरी 121 किलोमीटर की है और कसारा से मुंबई की दूरी 105 किलोमीटर। दोस्तों हमारा कसारा स्टेशन आने ही वाला है, जहां हमारी गाड़ी नहीं रुकेगी। कसारा स्टेशन आ चुका है,
दोस्तों दोपहर के ठीक 11:30 बज चुके हैं। हम कल्याण जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। यहां पर हमारी गाड़ी 2 मिनट का स्टॉपेज लेगी। दोस्तों हमारी गाड़ी कुर्ला टर्मिनल्स पर पहुंच चुकी है। दोपहर के ठीक 12:45 हो रहे हैं। हमारी गाड़ी 15 मिनट लेट है। दोस्तों हमारी ट्रेन LTT फेस्टिवल स्पेशल जो कल मड़वाड़ी से 10:00 खुली थी और आज मुंबई में LTT में 12:45 पर यानी 15 मिनट लेट पहुंची है। दोस्तों मेरी यात्रा तो सुखमय रही और आशा करता हूँ कि आपके मनोरंजन की यात्रा मेरे साथ में अच्छी रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।